भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री भी थे और इन्होंने भारतवर्ष के विकास की कल्पना की थी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया एकात्म मानववाद, जिसमें मानवता की प्रधानता इनके सिद्धांत में थी, और आज जिनके नीतियों पर जिन्होंने बताया था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, जो जिनको माना जाता है कि समाज के सबसे नीचे के पायदान पर रहते हैं, ऐसे लोगों के विकास, ऐसे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने से ही विकास पूर्ण रूप से होगा। केवल बड़े बड़े अट्टालिकाएँ बना दें, बड़े बड़े सड़कें बना दें, बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर दें, लेकिन आम लोगों के जीवन स्तर को अगर ऊपर नहीं उठाएं तो सही मायने में विकास नहीं होगा। मूल रूप से इन्होंने अपने सिद्धांत को लगाया था, सिद्धांत को दिया था, और आज इस पर केवल भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व में यह सिद्धांत जो है इनका, इसकी महत्ता है, उस पर लोग शोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज जो विकास के कार्य चल रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या रघुवर दास जी के द्वारा, वो इनके बताए हुए मार्गों पर ही चल करके इतने विकास देश के कर रहे हैं, और इसलिए आज ऐसे महामानों की जयंती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी जयंती को मनाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। विकास 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 यही मूल मंत्र है, और इस बात का संकल्प लेकर के हम उनको पुष्पांजलि देते हैं, और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है, इस बात का संकल्प लेते हैं।